नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज फाइंड करने से पहले बेटर है कि हम प्रॉफिट लॉस के बारे में जान लें कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट लॉस में क्या है कि अगर मैंने ये पेन मेरे हाथ में जो है वो मैंने 10 रुपीज़ में खरीदी, कितने में, 10 में खरीदी, तो अगर मैं 12 रुपीज़ में बेच रहा हूँ उसको, क्या 12 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, ये 10 रुपीज़ में मैंने खरीदी तो ये मेरी सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस हो गई। क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस 12 रुपीज़, तो ये एसपी मीन्स ये मेरी हो गई सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। तो देखो 10 रुपीज़ क्या हो गई कॉस्ट प्राइस, 12 रुपीज़ क्या हो गई सेलिंग प्राइस। अगर एसपी माइनस सीपी मैं करता हूँ, एसपी माइनस सीपी मीन्स 12 माइनस 10, ये मैं करता हूँ, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आया 2 रुपीज़, ये आंसर किसका आया पॉजिटिव आता है तो मेरा ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया प्रॉफिट। अगर ये 10 रुपीज़ की जो पेन है कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ है, वही मैं अगर 8 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, कितने में 8 में, तो अभी अगेन एसपी माइनस सीपी करो तो क्या आता है 8 माइनस 10 तो -2, तो माइनस आया ना, तो ये आपका लॉस हो गया। ये क्या हो गया लॉस। ये सिंपल फंडा है प्रॉफिट लॉस का, ये चैप्टर में आपको ये नहीं पढ़ना है, लेकिन ये सिंपल फंडामेंटल है प्रॉफिट लॉस का। जब भी एसपी माइनस सीपी पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट होगा, और जब भी एसपी माइनस सीपी नेगेटिव आएगा तो लॉस होगा। अब चलो इसके एक एग्जांपल पे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ द फ्लावर वेज इज 120 रुपीज, इफ शॉपकीपर सेल्स इट लॉस ऑफ 10%, लॉस ऑफ 10%, उसका मीनिंग क्या, लॉस ऑफ 10% मीन्स अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो 100 रुपीज का 10% कितना होगा 100, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 10 ही होगा, 100 का 10%, तो 10% लॉस कर रहा है, तो अगर इसकी कॉस्ट प्राइस 100 है ना तो उसकी सेलिंग प्राइस 90 होगी। क्या होगी, 90 होगी। कैसे आया ये कैसे आया, क्योंकि हमको आंसर क्या लाना है 10, तो इन दोनों का जो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे 10 कब आएगा, जब ये सीपी 100 होगा और एसपी 90। हर बार याद रखो सीपी को आपको 100 ही लेना है, ओके। जब भी आप परसेंटेज में कन्वर्जन कर रहे हो तब सीपी को आपको 100 लेना है, तो ये 100 लोगे तो आपको 10 का अगर डिफरेंस चाहिए तो ये 90। क्यों एसपी कम, क्योंकि एसपी माइनस सीपी लॉस बोला है तो नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए एसपी को इससे कम रखा है, क्योंकि एसपी माइनस सीपी मीन्स 90 माइनस 100, तो ये आंसर आ जाएगा -10। क्या आ जाएगा, -10। तो ये आपका हो गया ना बोला वैसा 10% लॉस, ओके। बस अब तो सिंपल है, अब तो सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन, कि अगर कॉस्ट प्राइस मेरी 100 है, क्या अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 100 है तो मेरी सेलिंग प्राइस तो मेरी 90 दी हुई है, तो अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 120 है तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 120 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100 100 00, तो ये किसका, एक इसका, तो 12 9 से कितना आएगा 108। क्या आएगा आंसर 108, ओके। चलो एग्जाम्पल नंबर 19 भी करा देता हूं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा आपको। सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय कार एएसपी दिया है, क्या दिया है एएसपी सेलिंग प्राइस 540, क्या दिया है 540। तो इफ प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर 20, ये क्या दिया है प्रॉफिट। मैंने क्या बोला, एसपी सीपी का कुछ भी हो तो पहले तो कॉस्ट प्राइस तो 100 ले लो, तो कॉस्ट प्राइस मैंने क्या ली 100, अभी मुझको 20% प्रॉफिट बोला है, क्या बोला है 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट कब होगा, जब मैं सेलिंग प्राइस को इससे ज्यादा रखूंगा, किस कितना 20, तभी 20% होगा ना। अब इन दोनों का माइनस करो तो 120 अपॉन -100, तो इसका आ गया ना आंसर 20, तो ये 20%। तो अगर मैं ये 100 क्यों रखते हैं पता है, जब भी आप परसेंटेज में बात कर रहे हो ना 20, ये परसेंटेज में बात कर रहे हो ना, तब आप 100 मान के चलोगे, लाइक 100 का हमको परसेंटेज पता है कि 100 का 20, तो 20 होगा तो डायरेक्ट 20। अगर ये हाफ है, देखो कॉस्ट प्राइस मैं 200 भी ले सकता हूँ, लेकिन जब आप कॉस्ट प्राइस 200 लोगे ना, तो जब ये 120 की जगह पे इसका आप 20% लोगे तो इसका 1240 करना पड़ेगा,
इसीलिए कॉस्ट प्राइस को ऑलवेज ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं ना इसमें कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100 लो, तो आपको सेलिंग प्राइस प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो। ओके अब बस तो हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। अब क्या बोल रहा है कि अगर अगर मेरी सेलिंग प्राइस 120 है तो मेरी कॉस्ट प्राइस 100 है। तो अगर मेरी सेलिंग प्राइस 120 है तो कॉस्ट प्राइस 100 है। यहाँ पे कितनी दी है 540, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो 540 100 अपॉन 120। ओके बस 10 कैंसल 12 से 6 से 6 से ये क्या हो जाएगा 2, 6 से ये 9 और 2 से ये 50, तो 5 9 45, तो 450 रुपीज कितनी होगी। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 540, तब जाके इसकी सेलिंग प्राइस 540 बनेगी, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा 20% होगा। ये हो गई बात प्रॉफिट एंड लॉस की। ओके okay?